यूएक्सजी ट्रेनिंग में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आइकन्स एट के बारे में। आइकन एट्स एक बहुत ही डिजाइनर के लिए अच्छा टूल है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको टाइप करना होगा, इसके लिए आपको आइकन एट टैप करेंगे। गूगल में टाइप करने के बाद अगर सर्च करते हैं और फाइंड करेंगे तो आपको ये आएंगे, और यहाँ पे आपको टैप करना है आइकन एड्स पे। आइकन एट में थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ आइकन्स हैं जिसमें आप रेडीमेड यूज कर सकते हैं। इसमें एक फ्री वर्जन भी है जिसमें कि आप 100 पिक्सल तक डाउनलोड कर सकते हैं, और एक पेड वर्जन है जिसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ से आने आ करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये सर्चिंग वाला बॉक्स है, आप देख सकते हैं कि इस तरह का आइकन आपको एकदम स्टैंडर्ड जो आईओएस का आइकन होता है, एकदम जो डिफॉल्ट आइकन होता है, यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये बिजनेस का आइकन है, यहाँ बिजनेस आइकन यूज कर सकते हैं, यहाँ से सिटी से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं, यहाँ से क्लॉथिंग का, यहाँ से फूड का, यहाँ पे हॉलीडेज का, और यहाँ से व्यू ऑल का। तो इसके लिए एप्लीकेशन भी है, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि सबसे पहले सर्च आइकन है, ये होम आइकन, यहाँ पे होम टैब करने पे आता है, और होम टैब पे आप इसका होम स्क्रीन देख सकते हैं। इस तरह से होगा, आपको अगर सर्च करना है होम, यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है, होम से रिलेटेड जितने भी आइकन्स होंगे यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर जाएगा, और इस आइकन्स को आप यूज भी कर सकते हैं। ये अभी सर्च हो रहा है, इस कैटेगरी में देखिए जितने भी होम से रिलेटेड यहाँ पे आइकन्स हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि आपको यहाँ से ये डायरेक्ट आप फोन में ड्रैग ड्रॉप करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये जो है से ओनली आइकन्स का है, नेमिंग यहाँ नहीं होगा, यहाँ ऑल में विथ लेबल्स होगा, आइकन्स के साथ लेबल है। यहाँ पे आपका जो है टेबल व्यू है, और टेबल व्यू में यहाँ पे सपोज दैट कोई और भी आइकन्स आपको चाहिए स्कूल से रिलेटेड, तो स्कूल आप टाइप कीजिए, मतलब जो भी आपको टाइप करना है यहाँ से रिफरेंस ले सकते हैं कि किस तरह से आइकन्स यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे पूरे डिस्प्ले हो जाएगा, देखिए आइकन से रिलेटेड है। यहाँ पे जो दो कैटेगरीज हैं, एक ऑल का आइकन्स है, एक न्यू आइकन्स है। ऑल में आपको पूरे मर्ज होगा जिसमें कि ऑफिस आइकन्स होंगे, कलर्स होंगे, एंड्रॉयड 4 का होगा, मटेरियल डिजाइन का आइकन्स होगा, विंडोज 8, विंडोज 10, iOS 10। अगर आपको पार्टिकुलर किसी कैटेगरी, और हर एक कैटेगरी में, ईच कैटेगरी में आप इतने सारे कैटेगरीज हैं, ये देखिए ये जितने भी हैं ये कैटेगरीज हैं। सपोज दैट आपको iOS 10 के बारे में देखना है आइकन, तो iOS 10 से रिलेटेड आपको आइकन यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे सपोज दैट मैंने सर्च टाइप कर दिया, और यहाँ पे सर्च मैं टाइप करूंगा तो iOS के आइकन से यहाँ पे आपको शो कर जाएंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये सर्च का आइकन आपको यहाँ पे टोटल रेफरेंस आ गया। अगर आपको फिल्टर का आइकन सर्च करना है तो फिल्टर का, विंडोज 10 में आपको डिजाइन देखना है कि ये सर्च का आइकन कैसा होता है तो विंडोज 10 का, यहाँ पे आप मटेरियल डिजाइन का देखना है तो मटेरियल डिजाइन का। इस तरह से जिस कैटेगरी का आपका आइकन चाहिए सर्च में, तो ऑटोमेटिक उस तरह का आइकन यूज कर सकते हैं। सपोज दैट आपको यहाँ टाइप करना है ईमेल का आइकन, तो यहाँ ईमेल टाइप कीजिए, ईमेल टाइप करने के बाद आपको टोटल से यहाँ ईमेल से रिलेटेड जितने भी आइकन्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही आप टाइप करेंगे यहाँ पे देखिए राइट साइड में टोटल आप कैप्स में मैक्सिमम साइज में आप देख सकते हैं यहाँ से। अगर इसी का आइकन iOS 10 में देखना है तो आपको iOS 10 में यहाँ पे टैब कर देना है, और iOS 10 से रिलेटेड आप देख रहे हैं कि पूरे दो तरह के आइकन्स होते हैं, एक आउटलाइन आइकन होते हैं, एक फील्ड आइकन होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से जो आइकन्स हैं ये कैटेगरी वाइज है। आपको सपोज दैट ये देखना है कि हमारा वेरी बेसिक, जो बेसिक आइकन्स हैं यहाँ से आप बेसिक आइकन सर्च कर सकते हैं, और ये सारे मैक्सिमम यूज होते हैं। अभी जितने भी आईओएस का आप डिजाइन देख रहे हैं तो बेसिक है, एंड्रॉयड का अगर बेसिक चाहिए तो आपको मटेरियल डिजाइन पे क्लिक कीजिए, और मटेरियल डिजाइन का जो बेसिक आइकन्स होते हैं, जो सेटिंग का होता है, बैक एरो होता है, तो यहाँ पे आपको पूरे दिख जाएंगे। देखिए ये सब जितने भी हैं ये मटेरियल डिजाइन का डिलीट सर्च ये है,
तो यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। तो हम iOS 10 में सपोज दैट